बहुत लोग करते भी है विंटर स्पीति, तो उनमें से एक हम भी अभी आ गए हैं। वहाँ लिखा हुआ किन्नौर का पहला ढाबा, ये सब हरियाणा से आए, हमने सबसे सब्सक्राइब करवाया अपना चैनल। ऐसे ही रास्ते में अच्छे अच्छे लोग मिलते जाते हैं और ये सफर सुहाना बनता जाता है। शेर जैसा लग रहा है, इतना बड़ा बाल इसका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। शिमला के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग गए थे कुफरी हिल टॉप और उधर ही पूरा एक्सप्लोर किया, जो कि कल के वीडियो में आपने देखा ही। और रेलवे स्टेशन जाना था, टॉय ट्रेन में चढ़ना था, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया। जब तक हम लोग रेलवे स्टेशन आते शाम हो गया था, और उसके बाद कोई ट्रेन था नहीं जो एक दो स्टॉपेज ही आगे जाए फिर वापस आए, और अंधेरा हो जाता तो फिर शूट नहीं कर पाते अच्छे से, इसीलिए टॉय ट्रेन वाला प्लान कैंसिल हो गया। तो अभी सुबह के लगभग 7-8 बज रहा होगा और अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से रेकोंगपियो की तरफ। यहाँ से रेकोंगपियो लगभग 200 किलोमीटर है, तो आज जितना खींच सकेंगे खींच लेंगे, और अंधेरा होते ही हम लोग होटल ले लेंगे। खाने का व्यवस्था भी है उधर और पेट्रोल पंप भी है, तो कोई दिक्कत उतना होगा नहीं। ठंड है तो उस हिसाब से हमारे पास कपड़े भी हैं और गियर्स भी हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। रोड वोड तो सब बोल रहा है कि सही है, मतलब बीआरओ का रोड है तो अच्छा ही होगा, फिर देखते जैसा होगा रोड पे तो आपको बताएंगे। जहाँ तक बीआरओ का रोड है वहाँ तक तो बहुत सही रोड है, उसके आगे जो स्टेट हाईवे आ जाता है वो थोड़ा सा टूटा फूटा है, थोड़ा बहुत ज्यादा, तो फिर भी अच्छा ही है। बर्फ कहाँ पे मिलता है वो भी देखते आगे, जैसा होता है आपको बताते जाते हैं। अभी सामान पैक हो चुका है, यहाँ पे सामान सब रेडी है, दो बैग इधर एक उधर, और जैकेट भी रेडी है। आज का हमारा आउटफिट ये है, तो ठीक है, इसके ऊपर अभी जैकेट डालेंगे क्योंकि ठंड है, तो मैं रेडिंग जैकेट पहनूंगा और ये ब्लैक वाला जो माइनस वाला जैकेट है वो बिट्टू पहनेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले लोड कर लेते हैं बाइक पे सामान और उसके बाद फिर निकलते हैं। ये जो रेड कलर का होटल दिख रहा है ये हमारा होटल था दो दिन के लिए, मतलब दो रात यहाँ पे स्टे किए, और बाइक यहाँ पे रेडी है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं जहाँ तक जा पाएंगे अपने स्पीति के राइड पे। वहाँ से निकलते हैं शिमला से काजा की तरफ, और पूरा तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि 415 किलोमीटर है यहाँ से काजा, आधा आज करेंगे आधा कल, देखते जैसा होगा आपको बताते रहेंगे। अब निकलते हैं यहाँ से और आज रात का स्टे होगा शायद रेकोंगपियो जगह का नाम है, और यहाँ से 215 किलोमीटर के आसपास है, तो 200 किलोमीटर तो एक दिन में जा ही सकते हैं आराम से, बस रास्ता ख़राब ना मिले, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मॉल रोड क्रॉस करके आगे निकलेंगे, मतलब जो रास्ते से कुफरी गए थे उसी रास्ते से आगे जाना है हमें, लेकिन उससे पहले दोस्त अपने को कैश निकालना है तो ATM भी ढूंढना है, तो मार्केट में अभी मिल ही जाएगा ATM, तो वहाँ से कैश निकाल लेंगे क्योंकि पहाड़ों पे कैश का ही ज़रूरत होता है, हर जगह नेटवर्क नहीं रहता है, तो गूगल पे फ़ोन पे चलेगा नहीं और ATM भी हर जगह होता नहीं है, तो कैश निकाल के रख लेंगे थोड़ा। अभी सुबह के 9:20 हो रहा है और ये जो बाइक में टाइमिंग वाला है वो मैंने यूट्यूब से देख के खुद ही कर लिया, हो गया, तो अभी टाइम भी दिखा रहा है अच्छे से और टेम्परेचर भी, तो 9:20 हो रहा है और टेम्परेचर हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। इधर से राइट लेंगे तो कुफरी जाएंगे जो कल गए थे, और इधर से रामपुर जो कि काजा वाला रास्ता है। रोड तो खाली खाली मिल रहा है, तो अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। अभी 10:15 हुआ है, तो 11:00 11:30 के आसपास रुकेंगे कुछ खाने के लिए, तब तक जहां तक खींचते हैं देखते हैं। 214 किलोमीटर ही आज टोटल का राइड था, तो हो जाएगा मुझे लग रहा है, आराम से हो जाएगा। इधर का रास्ता लगता है मुझे कि खाली ही होगा, लोग शिमला से आते थे तो कुफरी के लिए ही, और काजा अभी बहुत कम ही लोग जाते होंगे शायद, बहुत लोग करते भी है विंटर स्पीति, तो उनमें से एक हम भी अभी आ गए हैं विंटर स्पीति करने के लिए। गर्मी में भी कभी करेंगे, अभी तो विंटर स्पीति कर ले इतना ही बहुत है, तो देखते हैं। धूप है तो अच्छा लग रहा है, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंड बढ़ता जाएगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से आपको पूरा घाटी दिख रहा है, ये पूरा मस्त लग रहा है, बहुत एक नंबर भाई, ऊपर बर्फ भी है वहाँ पे, मस्त लग रहा है, पूरा हिमालयन रेंज है ये। वो जो हिमालय दिख रहा है आपको वो आधा इंडिया में है आधा चाइना में, तो हम लोग चाइना के तरफ बढ़ रहे हैं। बर्फ जो दिख रहा है ना भाई, अलग ही मजा आ रहा है भाई, एक नंबर मस्त लग रहा है पूरा बर्फ, और बर्फ में ही जा रहे हैं हम लोग, तो स्नोफॉल अगर इस ट्रिप पे मिल गया ना, मतलब क्या बताऊँ, चार चांद लग जाए, बहुत सुंदर लग रहा है ये सब वैली, बहुत ज्यादा।
कहीं पे रुकेंगे खाने के लिए। अभी 10:30 हुआ है, आधा घंटा और चलाते हैं तो 11 बजे रुकेंगे, कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्त। बहुत लोग स्पीति मनाली से भी करते हैं और शिमला से भी। ज़्यादातर लोग किधर से जाते हैं वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन मनाली से नज़दीक पड़ता है काजा, तो हो सकता है उधर से ज़्यादा लोग जाते होंगे। यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर है काजा और मनाली से 150 के आसपास है, तो हो सकता है उधर से ज़्यादा लोग जाते होंगे। लेकिन इधर से जाने का ये फ़ायदा है कि ये रूट जो है यहाँ से शिमला से काजा तक ये 12 महीना खुला रहता है हमेशा, और उधर मनाली से जो जाते हैं वो कभी कभी बंद हो जाता है जब स्नोफॉल ज़्यादा हो जाता है, तो उधर रोड ब्लॉक हो जाता है बर्फ़ के कारण, तो उधर बंद कर दिया जाता है दिसंबर जनवरी के टाइम पे। अभी खुला होगा कि नहीं पता नहीं, अगर खुला हो तो हम लोग काजा से मनाली निकल जाएंगे, उधर से ही पूरा स्पीति सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा, शिमला से काजा, काजा से मनाली और मनाली से चंडीगढ़ होके घर चले जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारा सर्किट है हिमाचल में, लेह लद्दाख में भी, जो कि हमें करना है। अभी स्पीति सर्किट पूरा करते हैं, फिर जंस्कार सर्किट रहेगा, लेह लद्दाख सर्किट रहेगा, ये सब भी धीरे धीरे पूरे करेंगे आने वाले समय में। यहाँ रुकते हैं खाने के लिए, यहाँ से मतियाना एक विलेज है 3 किलोमीटर आगे, तो सोचे वहाँ से अच्छा है भीड़ भाड़ में यहीं पे रुक के खा लेते हैं, ढाबा है। इस ढाबे से जो व्यू दिख रहा है वो अभी आपको दिखाते हैं। एक डॉगी है यहाँ पे, वो डॉगी देखो कितना प्यारा है ये भाई, बहुत क्यूट है ये। आजा, हम मेरे पास भी एक है लियो भाई, शेर जैसा लग रहा है, इतना बड़ा बाल है इसका, पहाड़ी कुत्ता। बाय 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 बाय, हम लोग जाते खाने के लिए। हेलो अरे अरे चढ़ने लगा भाई, काट मत काट मत। खाना हो गया हमारा, अब यहाँ से निकलते हैं आगे। 178 किलोमीटर और बचा हुआ है रेकोंग पियो का, तो जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा, मतलब अंधेरा होने से पहले पहुँच जाए तो कोई टेंशन नहीं है, कितना भी टाइम लगे चलेगा, बस अंधेरा में बाइक राइड करने में दिक्कत होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। रास्ता बढ़िया है तो खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता ख़राब रहता तो टाइम भी लग जाता और दिमाग भी ख़राब हो जाता है, और ये सब रास्ता मुझे पता है किसका याद दिला रहा है, ये सब एकदम हर्षिल वैली जैसा रास्ता है, सेम सेम लग रहा है। ये सब जो सूरज के दूसरे साइड का पहाड़ है ना, इधर ठंड हो जाता है और धूप में तो ठीक लगता है, और ये सब वैली देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी है। अभी जब बर्फ़ गिरेगा ना दोस्त, ये सब ढक जाएगा बर्फ़ में, और रास्ता भी कभी कभी बंद हो जाता है तो वो एक दो दिन में खुल ही जाता है, बर्फ हटा देते हैं। रामपुर यहाँ से बचा है 85 किलोमीटर, बहुत दूर है। अभी थोड़ा देर यहाँ पे रुका हो क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, फोटो वोटो खिंचवाने के लिए रुक गया। यहाँ का व्यू मैं दिखाता हूँ, ये जो जगह इसका नाम है नरकंडा, मतलब नरकंडा जो बाजार है उससे 1.5 किलोमीटर आगे है, तो ये जंगल का रास्ता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो मैं अभी यहाँ का व्यू दिखाता हूँ वो देखो। और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर और बचा है हमारा डेस्टिनेशन रेकोंग पियो, जहाँ पे आज हम लोग रुकेंगे रात को। फ़ोटो वीडियो हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं, तो बिट्टू चला रहा है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, बहुत चला लिया मैंने, 70 किलोमीटर के आसपास अभी आए हैं और अभी बचा हुआ है, तो निकलते हैं यहाँ से और रास्ते पे मिलते रहते हैं, थोड़ा बिट्टू खींच लेगा 50-60 किलोमीटर, उसके बाद फिर कहीं रुकेंगे।
यहाँ पे शायद एंट्री करना होगा। UK07FF राकेश शर्मा। यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ है, सब कुछ डिटेल्स नोट किया गया है और फिर अभी यहाँ से निकलते लगभग 60 किलोमीटर और बचा होगा। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है और जिस रास्ते से हम लोग गुजरेंगे अभी वो किन्नौर वैली है। स्पीति वैली में तो कल एंटर करेंगे, कल एक बढ़िया जगह जाना है वो आपको कल दिखाते, बहुत मस्त जगह है। तो अभी निकलते हैं, वीडियो ओके चलो चल निकल। देखो हम कहाँ पहुँच गए, ये बहुत फेमस रास्ता है जो आपको वो टनल जैसा दिख रहा है ना छोटा सा, बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे मूवी में भी यहाँ का शूटिंग हुआ है। तो अभी वहाँ जाते हैं, पैदल फ़ोटो खिंचवाते हैं। वहाँ लिखा हुआ किन्नौर का पहला ढाबा, तो ये है किन्नौर का पहला ढाबा और वो लोकेशन है ना बहुत फेमस। यहाँ पे आए फोटो खिंचवाने के लिए, ये किन्नौर का एक मतलब फोटो खिंचाने का पॉइंट है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं। तो हमने भी फोटो खिंचवाया इंस्टाग्राम पे देखना और बहुत अच्छा अच्छा फोटो है, जो थंबनेल आप देख रहे हो वो भी यहीं का खींचा हुआ है। ये सब व्यू आपको कैसा लग रहा है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताओ। अभी यहाँ से 40 किलोमीटर जाएंगे, एक डैम है उसके आसपास ही रुकेंगे आज रात को और कल निकलेंगे वहाँ से दूसरे डेस्टिनेशन पे, तो वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। अभी यहाँ से निकलते और फिर मिलते रास्ते पे। ये सब देखो, ये कुदरत का करिश्मा है और ये इंसान का करिश्मा है। वहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा लिए, अब यहाँ से निकलते हैं और फटाफट खींचते हैं। शाम होने वाला है, 5 बज गया है, एक डेढ़ घंटा और चलाते हैं, उसके बाद रूम ले लेंगे, रात को स्टे करेंगे। और ये जो भाई वहाँ ये सब जगह आज तक दूसरों की वीडियो में देखता था, बहुत लोग जो स्पीति राइड करते हैं पूरा सर्किट कम्प्लीट करते हैं उन लोग के वीडियो में बहुत देखा है मैंने ये सब, और सोचते थे कि आएंगे और फाइनली आ गए। ये पूरा वैली इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या ही बताएं। रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है कहीं कहीं, लेकिन ओवरऑल सब कुछ सही है। धूप का जो रिफ्लेक्शन आ रहा ना इधर, मस्त येलो येलो चमक रहा है पूरा। अब कैमरे में आ रहा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मस्त लग रहा है। पेड़ पौधे भी येल्लो हो चुके हैं ठंड के कारण। भाई ये सब रास्ता देख रहे हो, मस्त भाई सेक्सी लग रहा है। पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है, ये देखो इधर कुदरत का करिश्मा और इंसान का करिश्मा दोनों। आपको देखना है तो किन्नौर वैली ज़रूर आइए। ओहो गजब लग रहा है भाई। ये छोटा सा रास्ता है, इसमें रुक नहीं सकते, नहीं तो रुक के फ़ोटो लेता यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी बहुत आ जा रहा है अभी और छोटा रास्ता है तो इस पर रुकना रिस्की रहेगा और हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते दोस्त। यहाँ पे रुके हैं सुसु ब्रेक के लिए और उधर से हम लोग आए, तो उसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं कि कैसा रास्ता है, कौन सा नदी है वो भी नहीं पता। तो थोड़ा देर रुकते हैं और बर्फ़ वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, भाई मस्त लग रहा है। वहाँ पे धूप पड़ रहा है ना, इस पहाड़ के पीछे भी बर्फ़ है। आज लग नहीं रहा है हमें कि बर्फ़ दिखेगा, बाकी वो नदी देखो मस्त लग रहा है। और आए किधर से हैं वो दिखाता हूँ मैं, वो रास्ता आपको दिख रहा है वो वाला, ये जो पतला सा लाइन है ना, बस इसी से आए हैं और ऐसे करके और यहाँ पे अभी रुके हैं। यहाँ पे रुके थे और बहुत भाई लोग मिले। आप अपना नाम बताइए। नरेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। ये सब लोग हरियाणा कुरुक्षेत्र, नवदीप राणा हरियाणा, नेपाल हरियाणा। तो ये सब हरियाणा से आए, हमने सबसे सब्सक्राइब करवाया अपना चैनल और ये लोग भी हमारे साथ ही चलेंगे। अभी कहाँ तक जाओगे आप, रेकोंगपियो तक, करचम या रेकोंगपियो तक? और भी लोग हैं ना आपके साथ हमारे? हाँ, तो इन लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, तो मिलते रहेंगे। आप ब्लॉग देखते रहिए, सब्सक्राइबर करें हमारे चैनल को। अभी हम लोग थोड़ी देर रुकते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, आधा एक घंटा और बाइक चलाएंगे, निकलते हैं यहाँ से और फटाफट खींचते हैं। अभी रास्ता क्या दिखाऊँ, अंधेरा होने वाला है, तो फटाफट खींचते हैं, रूम लेते हैं और फिर रूम पे ही मिलते हैं। कहाँ रुकेंगे वो सब तो आपको वहीं बताते हैं रूम पे पहुँच के। ऐसे ही रास्ते में अच्छे अच्छे लोग मिलते जाते हैं और ये सफ़र सुहाना बनता जाता है। तो जिनसे भी मिलता हूँ मैं सब्सक्राइब करवा लेता हूँ, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने घर वालों से भी करवा दीजिए, घर में आपके बहुत सारे फ़ोन है पता है मुझे, तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।
पहुंच गए सांगला, जो कि तुपका वैली में, ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो आज का टोटल राइड था 220 किलोमीटर के लगभग, शिमला से निकले थे और सांगला आए हैं। यहाँ से कल कहाँ जाएंगे वो कल के वीडियो में आपको पता चलेगा। शिमला से सांगला का पूरा रास्ता अच्छा है, करचम से सांगला तक का जो रास्ता है वो थोड़ा सा मतलब बहुत छोटा रास्ता है और टूटा फूटा रास्ता है, तो उसमें दिन में आओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, रात में थोड़ा डेंजर जैसा लगता है, है नहीं, आराम से आ सकते हो, उतना भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आज का पूरा राइड कैसा लगा, 220 किलोमीटर आज चला है, शाम हो गया है, कल देखते हैं कहाँ जाते हैं, कल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मैं बेटे का नमस्कार, खुदा हाफिज़।